दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र एक दिशाओं को दर्शाता है। तो हम आपको आज दिशाओं के बारे में बताने वाले हैं कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं और आप दिशाओं को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, दिशाओं को आप कैसे याद रखोगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलिए स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल युवा मैथ ज्ञान में। मैं संजय चौहान, ठीक है। हमारी जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं चार दिशाएं होती हैं, आप सभी जानते हो चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन इसी के मध्य कुछ दिशाएं और होती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर उत्तर हो गया है। अब कैसे ज्ञात करेंगे आप? यहाँ पे हम एक जो सूरज को देखकर आप दिशाओं को बता सकते हैं। जैसे सूरज हमेशा कौन सी दिशा में निकलता है? भारत में। बात करते हैं भारत की, तो भारत में सूरज हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। कहाँ पे निकलता है? पूर्व दिशा में। तो यहाँ से ये पूर्व दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व। देखिए, यहाँ से ये पूर्व दिशा में सूर्य हो गया, तो जो पूर्व है इसकी तरफ को यदि आप मुँह करके खड़े हो गए तो इसके आपके जो पीठ पीछे एकदम पश्चिम दिशा आ जाएगी, ठीक है। और हाथ फैला के ऐसे खड़े रहेंगे तो इसके दाहिने हाथ पर जो होगी वो होगी आपकी दक्षिण दिशा और बाएं हाथ पर उत्तर दिशा होगी। इस तरीके से आप इस दिशाओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी जिधर से आप पूरब दिशा से सूर्य निकलता है और सूर्य के एकदम विपरीत कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। और इसी के एकदम ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार से इनके बीच में दिशा को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के दिशा बीच में जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसे हम उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ये तो थी बात दिशा की। तो दिशाएं आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर है। आप इसका एग्जाम में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? तो एग्जाम में हम अपने, जैसे हमारे पास ये कॉपी है, तो इस तरीके से दिशा कैसे बनाएंगे इसका चित्र? तो चित्र ऐसे बनाते हैं, हमेशा ऊपर की ओर को जो होगा वो उत्तर दिशा होगी। ऊपर की तरफ को कौन सी होती है? इस तरीके से चित्र बना लेंगे। तो ऊपर हमेशा हमारे मुख के सामने उत्तर दिशा और नीचे की तरफ को दक्षिण दिशा, और हमारे राइट हैंड में पूर्व दिशा मिलेगी और लेफ्ट हैंड में पश्चिम दिशा। तो आप रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।